अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे तो फुल बारिश हो रही है, तो आपके शहर में कैसी है बारिश मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं लाई थी मेरा मंथली ग्रोसरी रेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, महीने का रेशन लेके आई थी। तो हमारा रेशन भी ख़त्म हो गया था, तो एक बार गए थे तो एक थोड़ा लेके आई थी, थोड़ा मतलब 3,000 के ऊपर का सामान लेके आए थे। अब गई तो पूरा लेके ही आ गई मैं, वही बोरी में था तो मैं एक बार निकाल ले रही थी। देखो कितनी महंगाई बढ़ गई, एक सामान का डबल रेट कर दी है अभी, उतना महंगा है। अभी हमारा महीने का पगार पेमेंट आता है तो चल जाता है, लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं, मुझे वही चिंता लग रही। तेल का तो भाव आसमान छू रहा है, ऐसा है। तो आज कमा कर आज खाने वालों का बहुत मुश्किल है, बहुत क्या बहुत मुश्किल है। कैसा चलता है उनका घर पता नहीं, लेकिन हमारी ये सरकार जो आई है ना, महंगाई कर रही है, कम नहीं कर रही, गरीबों का ज़रा भी नहीं सोचती हो। तो देख लीजिए कितना महंगा हो गया, तेल सभी महंगा हो गया। 1,000 में तेल आ जा रहा, तेल आ रहा है अभी 5 5 KG ऐसा हो रहा है अभी, तो बहुत महंगा हो गया है। अभी तो बारिश के टाइम में यहाँ पे कर्नाटक में ज़्यादातर काम नहीं रहता, ऐसा कुली मजदूरी काम करते हैं ना, उनका काम ही नहीं रहता, अब घर में बैठना पड़ता है उनको, तो उनका घर कैसा चलता है वो हमें पता नहीं लगता। हमारा तो क्या है, महीने का सैलरी आती है तो कैसे भी चल जाता है, लेकिन उन लोगों का सोचना पड़ता है ना, ऐसा सोच के बहुत बुरा लगता है। तो देख लीजिए आप मेरा रेशन का मैं ग्रोसरी हॉल, और पसंद करना और लाइक तो देख और लीजिए शेयर फ्रेंड, यहाँ ज़रूर पे है करना और मेरा कमेंट भी मंथली करना और ग्रोसरी। सब्सक्राइब परसों भी भी जाके करना। वो सब लेके आए थे, 2,500 का सामान लेके आए थे। तो इसमें और दो चीज़ कम है मेरे में, मतलब चने की दाल कम है और चने का आटा जो मैं भजी बनाती हूँ ना, वो आटा भी नहीं है। मैं बोली थी उसको लेकिन ना वो नहीं डाले। तो यहाँ पे है देख लीजिए तेल, 5 KG तेल। मैं जो लाती थी सनफ्लावर तेल आती थी वो था 950 रुपये। तो मैं लेके आएगी शेंगा एंडे, मतलब मूंगफली का तेल है, थोड़ा ये कम है, 800 चिल्लर कुछ पड़े होगा, मुझे पता नहीं, देखना है इसका रेट कितना है। वो भी 4 KG का है ये, तो इसका रेट कितना पड़ा देखना है मुझे, 5 KG का नहीं है ये, तो इस ये देखना पड़ेगा। तो ये एक तेल लेके आई थी और जारी लेके आई 5 KG, जारी भी ख़त्म हो गई थी तो जारी लेके आ गई। और यहाँ पर है नमक, तो मैं बोली थी ना वो नमक में ज़्यादातर, यहाँ पे टीवी का साउंड आता है, चल बंद दरवाजा मेरा। तो मैं वो नमक के बारे में बोली थी ना, तो वो नमक अच्छा नहीं आता मुझे पता है, लेकिन ये नमक और दूसरा आशीर्वाद नमक अच्छा आता है, ये नमक बहुत अच्छा आता है, इसमें कोई भी पत्थर नहीं रहता, देख लीजिए कितना साफ रहता है नमक। लेकिन वो नमक में दिखता दिखाती हूँ एक बार। तो गुड नाइट के दो लिक्विड लाई थी, तो एक लगाए हैं, एक यहाँ पर है, और ये राई पैकेट है, ये से 15 रुपीज़। एक बार गई तो लेके आ डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे जीरा लेके आई हैं और मैदा लेके आई हूँ, मैदा था मेरे घर में फिर भी मैं 1 KG मैदा लेके आई। ये साबुन हम यही लगाते हैं, नंबर 1 साबुन, तो पहले था नंबर 1 साबुन, कितना कम रेट था, लेकिन अभी हो गया है महंगा। ये भी जब मैं ले रही थी 80 का था, मतलब 80 में 5 पीस आ जाते थे, अब अभी बहुत महंगा हुआ है ये भी। और यहाँ पर है 2 KG शक्कर और ये है पोहा। मैं अभी वीडियो नहीं बनाती थी, मतलब नहीं बनाना आता, कल बनाना सीखी, तो मुझे सुबह में नाश्ते के लिए पोहा चाहिए, तो मैं अभी बनाना पड़ रहा है मुझे। तो देख लीजिए यहाँ पे पोहा है, मैं परसों है ना आहिल के जो खतने के आगे मैं लेके आई थी 2 रवे के पैकेट, वो थोड़ा कम पड़ रहा था, लेकिन मैं और एक रवे के पैकेट लेके आई। ये है सूजी, मतलब बारीक वाली सूजी, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये इससे उपमा बना सकते हैं, जो फड्डू बोलते हैं ना वो बना सकते हैं, इसे मीठा बना सकते हैं, बहुत कुछ बनाने आता है। जो मैं उस दिन रवे की रोटी बनाई थी ना, वो यही वाला था। तो देख लीजिए यहाँ पे, और ये 2 साबुन लेके आई, वॉशिंग मशीन है तो भी फिर से भी 2 साबुन लेके आई, क्योंकि वो मैं यहाँ पे ज़मीन जो पोसती हूँ ना, उसका कपड़ा धोने के लिए चाहिए होता है, इसीलिए 2 साबुन लेके आई। और ये यही है मेरा गरम मसाला, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती थी मुझे, इसीलिए ये भी लेके आई। और यहाँ पर है चाय की पत्ती, 1/2 KG चाय की पत्ती, तो देख लीजिए ये भी फोड़ के रखी हूँ, ऐसा हो रहा है, एक 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 सामान निकाल दे रही हूँ। तो ये कन्नन देवन चाक पत्ता है, तो ये अच्छा आता है, चाय इसकी अच्छी बनती है, तो ये साइड में रखूँगी मैं।
और चावल पैकेट भी लेके आए थे, तो चावल पैकेट भी डाल दिए इस डब्बे में। तो जी ये है दाल, ये है तोर की दाल, तोर की दाल भी 100 के ऊपर चले गई है। सबसे महंगा तो तेल हुआ है। तो कॉर्नफ्लावर आटा था, कॉर्नफ्लावर आटे से मैं अच्छा अच्छा स्वीट बनाती हूँ, एक बार बना के दिखाऊंगी आपको। तो कॉर्नफ्लावर आटा मैं 1/2 kg ले रही थी, लेकिन 50 रुपये का केजी था, तो मैं एक पैकेट ले ली। चाहिए फिश फ्राई करने को सब चल लगता है, इसीलिए फोड़ दी थी पैकेट, लेकिन वो कवर में डाल के दे दिया। तो आहिल के लिए लेके आई मैं, उसके लिए लेके आते हैं हम बिस्किट। मैं दूसरा लेके आती थी, लेकिन इस बार उसका यह हुआ है तो मैं मैरीगोल्ड लाना अच्छा समझी। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं मैरीगोल्ड लेके आ गई। ये कितना 12 पीस रहता है, 5 रुपीज़ का एक है ये, तो 12 पीस रहता है ना, तो इसका कितना पड़ता है मुझे, ये 55 रुपीज़ का पड़ता है। 60 रुपीज़ लेना था, लेकिन 5 रुपीज़ छोड़ देते हैं, तो ये 55 रुपीज़ का पड़ता है। और यहाँ पर है शैम्पू हमारे डेली वेयर के, तो मैं बोली थी ना आपको बॉटल नहीं लेके आती मैं। और ये है कम्फर्ट 3 रुपीज़ का, सॉफ्ट टच है, कम्फर्ट नहीं है, सॉफ्ट टच है, ये 3 रुपये का। ये भी बॉटल नहीं लेके आती मैं, देखेंगे मॉल को गए तो बॉटल देख के लाएंगे, उसमें कुछ ऑफर आया तो। और ये एक हमारे दिन से आगे बाल पक गए हैं, अभी बाल पकने की एज नहीं है, लेकिन बाल पक रहे हैं, तो इंडिका लगाएंगे। तो ये था मेरा मंथली ग्रोसरी, और 2 चीज़ें थे इसमें मैंने निकाल कर यूज़ कर ली। और ये भी चाहिए क्या, अभी सर्फ एक्सल नहीं टाइट चाहिए अभी मुझे, वो मशीन में डालने के लिए, मतलब मैं वो ला लेके आई इतना मॉल से, बहुत धोखा खा गई मैं। तो मैं अभी इससे ऑनलाइन से टाइट की पैकेट मंगाऊंगी। तो इतना रेशन मेरा महीने का रेशन हो गया, देख लीजिए। पहले परसों जाके मैं सभी कालकल के जी बादाम वो सब भी लेके आई थी, वो भी है वीडियो में डाली थी, आप देखे भी नहीं बराबर से, तो उसका भी हो गया था। गुड़ भी लेके आ गई थी 2 kg, तो नहीं तो मुझे गुड़ भी लगता था इसमें, इसमें अभी गुड़ लगता था, बेसन का आटा लगता है, अभी मैं बेसन का आटा नहीं लेके आई, ऐसा सब रहता है, तो क्या करेंगे, बहुत महंगा हो गए, बहुत क्या बहुत। देख लीजिए ये है मेरी मंथली ग्रोसरी, अगले महीने मैं गाँव गई तो देखेंगे, हुआ तो लेके आऊंगी, नहीं तो नहीं। अब मैं वो जो मैं जाती हूँ ना किराने दुकान, तो वहाँ पे गए तो हमें सस्ता मिलता है थोड़ा सा, मतलब एक एक चीज पे क्या क्या माँ, हमें वो दुकान जाते हैं ना, तो वो दुकान में थोड़ा सा सस्ता मिलता है, मतलब हमें इस चीज पे 2-2, 3-3 रुपए छोड़ देते हैं, आटे पे वो हर एक चीज पे छोड़ देते हैं, वही दूसरे वाले शॉप में गए तो नहीं छोड़ते, इसीलिए मैं वो दुकान पे जाती हूँ। वो दुकान का भी मैं वीडियो बनाई हूँ तो दिखाऊंगी आपको। ये है मेरा मंथली ग्रोसरी, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और ढेर सारी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, शेयर भी करना प्लीज, मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, कल एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you.